रेडी गोभी का पराठा। दरअसल बनाई थी कल गोभी और बेटे को मेरे गोभी का पराठा बहुत पसंद है, तो ये थी गोभी जो बची हुई थी और बेटे ने कहा कि मैं पराठा खाना है, तो मैंने उसके लिए गोभी का पराठा बनाया। और अभी देखते हैं जी, अभी आपको बना के दिखाते हैं। अभी मैंने जस्ट इसको तवे पे डाला है, तो अभी आपको मैं पराठा की बना के दिखाती हूँ। ये रेडी हो गया जी गोभी का पराठा, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। और हमेशा जब भी गोभी पकाओ तो फिर फरमाइश करते हैं नाश्ते में कि मुझे पराठा चाहिए गोभी वाला। ये पसंद है बनाया गया गोभी का पराठा जी। तो कैसे हैं आप? शुरू में आपने देखा होगा कि ना कुछ दुआ ना कुछ नाम, तो आज शुरू में ही जी पराठा दिखा दिया है। तो कैसे हैं आप सब लोग? मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम और दुआएं, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियां लाए। तो शाम को खाने का था कि खाना क्या बनाया जाए, तो बच्चों की फरमाइश थी कि जी प्रैक्टिस खानी है। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो आए थे बाज़ार में, मार्केट में, और हम लेने के लिए आए थे कि सबसे पहले मीट, क्योंकि घर पर जो है वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो थी वो ख़त्म थी, कि ग्रॉसरीज जो है वो काफ़ी टाइम से मेरी नहीं हो पा रही है। काफ़ी टाइम से मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 1 मंथ से मेरी ग्रॉसरी नहीं हुई है, क्योंकि हस्बैंड के पास टाइम नहीं है। वो जब भी आते हैं तो वो इतना लेट हो चुके होते हैं ऑफिस से कि जाके ग्रॉसरी करने का टाइम ही है, और वीकेंड पे और इतनी मसरूफियात चल रही होती हैं कि बस ग्रॉसरी नहीं हो रही है। लेकिन यह है कि मुझे हमेशा से आदत है कि मैं जो अपनी ग्रॉसरी है वो 1 मंथ जो है वो एडवांस में कर रही होती हूँ। मीन्स के मैं जो अभी इस मंथ में जो ग्रॉसरी करूँगी वो इस मंथ की नहीं होगी, वो नेक्स्ट मंथ की होगी। मैं मैनेज करके चलती हूँ, बिल्कुल एट द एंड आके जब चीज़ें बिल्कुल फिनिश हो जाएं। तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि घर में चीज़ें फिनिश हो जाएं, ग्रॉसरी की चीज़ें ना हों और मैं जो है वो जाके एंड टाइम पे जाके चीज़ ख़रीद के ला रही हूँ। मेरी हमेशा चीज़ें जो है वो मैनेज होके चल रही होती हैं। मैं एडवांस में चीज़ें मतलब घर में रखती हूँ लाकर, ताकि कोई मतलब मेहमान आ जाए, कोई गेस्ट आ जाए, या ख़ुद भी कुछ चीज़ ज़रूरत हो तो मुझे ये प्रॉब्लम ना हो कि जी अभी ये चीज़ घर पे नहीं है या वो चीज़ घर पे नहीं है। इस तरह चीज़ें मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं हमेशा ग्रॉसरी जो करती हूँ नेक्स्ट मंथ की करती हूँ। तो अभी इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने आपको बता दिया कि ऑलमोस्ट 1 मंथ से मैंने ग्रॉसरी नहीं की है। जो मैं मतलब स्टोर से जाकर अपनी जी मतलब मंथली अपनी ग्रॉसरी लाती हूँ वो नहीं हुई है, जिसकी वजह से भी चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब हो रही हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि टाइम निकालें काइंडली, मुझे चीज़ें सारी घर के लिए लानी हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम के बाद मेरे साथ जो इशू है कि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी मतलब ख़त्म हो रही हैं घर पे, मतलब ग्रॉसरी की चीज़ें हो गई, मीट हो गया, और जो चीज़ें आप मैनेज कर रहे होते हैं वो भी। तो जैसे किचन क्लीनिंग हो गई, बाथरूम क्लीनिंग हो गई, आपकी लॉन्ड्री की चीज़ें, मतलब काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मिसिंग हैं, तो इसलिए टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी तो ये था कि बड़ा ज़रूरी था कि मतलब मुझे मीट चाहिए था। बच्चों को हर चीज़ में वो कहते हैं कि कम अज़ कम जो है वो मीट हो, तो मेरी कोशिश होती है कि घर में मैं ला के रखूँ। और मतलब इस तरह होता है कि मैं इकट्ठा जो है वो मीट बाय कर लेती हूँ काफ़ी टाइम के लिए, मतलब काफ़ी टाइम से मतलब ये 1 मंथ के लिए, और मैं इसको ला के इकट्ठे ज़्यादा क्वांटिटी में इसको सफाई करवा के अच्छे तरीके से और धुलाई करके इसके पैकेट बना देती हूँ। और जब भी कोई चीज़ मुझे मतलब बनानी होती है उसके लिए ज़रूरत होती है, तो मैं फिर जो है वो साथ में चिकन का पैकेट निकाल के उसमें इजीली वो वॉश भी हुआ होता है और पड़ा हुआ भी होता है घर में, तो मैं इजीली इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम आए थे जी चिकन लेने के लिए, तो फिर मैं मतलब चिकन बाय किया। फिर उसके बाद जो है वो चिकन की अच्छे तरीके से मैंने भाई से कहा कि मुझे इसकी सफाई करके दें, मतलब मुझे घर जाके इस पर मज़ीद मेहनत ना करनी पड़े, जस्ट इसको वॉश करूँ और इसके पैकेट बना के रख दूँ। और मैंने उनसे कहा कि मुझे कढ़ाई के पीसेस बना कर दें, मुझे बहुत बड़े पीसेस नहीं चाहिए। तो और मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं पूरा चिकन, होल चिकन जो होता है वो मैं बाय नहीं करती हूँ, मुझे क्योंकि ज़्यादातर बोनलेस चाहिए होता है। तो मैं जो चिकन रेडी करने वाले भाई को फिर मैं कह देती हूँ कि जो है मुझे वो बोनलेस चाहिए और मुझे सीने का पीस जो है वो कटिंग कर कर दे दें, तो वो मुझे फिर वो ही करके देते हैं। तो अभी मैं जो है उनसे कह रही थी कि अभी जितनी सफाई वगैरह हो चुकी है चिकन की, इसकी दोबारा से मुझे वेट
करके दें कि ये जो है वो उसका वेट कितना रेडी हुआ है। तो उसके बाद ये लाइटिंग आप देख रहे होंगे तो आप कह रहे होंगे कि शायद किसी की शादी की लाइटिंग हुई है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे एरिया में 12 रबी अव्वल की तैयारी की गई है, जो फ्राइडे को जो है वो हमारे एरिया में 12 रबी अव्वल का एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो फंक्शन होता है, उसको बाकायदा सेलिब्रेशन होती है और सारे एरिया को लाइटों से सजाया जाता है और बहुत ही खूबसूरत स्टेजेस बनाए जाते हैं जहाँ पे जो सीरत तैयबा के बारे में और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ही प्यारी प्यारी नातें और तकरीरी मुकाबले वगैरह किए जाते हैं और बाकायदा एक बहुत बड़ा एक फंक्शन होता है और बाकायदा ट्रॉफीज़ वगैरह दी जाती हैं। तो जी अभी मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो ग्रॉसरी के एक स्टोर पे, छोटे से स्टोर पे आ गए थे। मैंने यहाँ से अपनी आपको जैसे बताया कि अचानक एक प्रोग्राम बना के स्पेक्टिस बनानी है डिनर में, तो हम स्टोर में स्पेक्टिस लेने के लिए आए हुए थे। हमने काउंटर पे बिलिंग की और फिर हम चल पड़े जी आगे की तरफ और रास्ते में हम ढूंढ रहे थे कि हमें सब्ज़ी वाली शॉप मिल जाए तो हम जो है वो सब्ज़ी भी ले लें जो मुझे भी फौरन ज़रूरत थी। हमारे एरिया का जो बाज़ार है वो इतना प्यारा लाइटों से सजा हुआ था और इतना खूबसूरत लग रहा था, हालांकि ये काफ़ी कंजस्टेड सा एरिया है और तंग तंग सी गलियाँ सड़कें वगैरह हैं, लेकिन यह है कि बड़ा अच्छा लग रहा था सजा हुआ। और फ्राइडे को ये आलमोस्ट सारा बाज़ार जो है वो क्लोज हो जाएगा। है तो ये तंग बाज़ार, लेकिन ये है कि यहाँ पर हर तरह की चीज़ें जो हैं वो मिल जाती हैं, आपको जो भी आपने बाय करना हो किसी भी आपको यहाँ से मिल जाता है। और हैं भी मतलब दूर के काफ़ी करीब है, तो मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं हम आए हुए थे बाइक पे, क्योंकि इस एरिया में गाड़ी ड्राइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कंजस्टेड एरिया जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो फिर प्रेफर होता है कि हम मतलब जो ज़रूरत की चीज़ जो थोड़े टाइम के लिए मतलब फ़ौरन चाहिए वो हम जो हैं वो ज़्यादातर बाइक पे जाके लेके आ जाते हैं दोनों, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे गाड़ी को ड्राइव करना इतना तंग एरिया में। तो फिर इसलिए फिर हम लोग आ गए फिर सब्ज़ी की शॉप पे और हमने कहा कि जी सब्ज़ी लेते हुए चलते हैं, क्योंकि मुझे भी चाहिए था इस प्रैक्टिस में डालने के लिए शिमला मिर्च और गाजर। इसके अलावा मैं और चीज़ डालना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते हैं, तो फिर मेरा ये होता है कि ये दो चीज़ें मुझे चाहिए हैं इस बताने के लिए। तो अभी हम पहुँच गए हैं सब्ज़ी की शॉप पे, तो लेते हैं जी सब्ज़ी। ऑलमोस्ट जो है वो रात 7 बजे का टाइम हो चुका था और सब्ज़ी बहुत ही फ्रेश थी, जैसा कि आपको नज़र भी आ रही होगी। और सब्ज़ी फ्रेश होने के साथ साथ इस शॉप पे इतना रश था सब्ज़ी लेने वालों का कि हमारी बारी नहीं आ पा रही थी और हम काफ़ी लेट भी हो रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जल्दी से करें और सब्ज़ी लें और ताकि घर जाएँ, मैंने कुकिंग भी करनी है ले ये देखें, लेकिन सब्ज़ी बहुत अच्छी थी। रस्ते में जो है वो मेरे फल लेना था तो बच्चों के लिए, तो मैंने कहा कि रस्ते में रुक के फटाफट फल भी ले लेते हैं ताकि सारा काम एक ही दफ़ा में ख़त्म हो जाए। और फिर हमने जी अपना फल शल जो लेना था वो लिया, बस हम वापस आए तो काफ़ी थक चुके थे और चाय पी फटाफट, आपने देखा होगा वीडियो में चाय के कप भी नज़र आ रहे होंगे, बस वापस आए तो बस चाय पी और बस थकावट थोड़ी सी उतरी, तो फिर मैंने कहा चलें भी अपना काम पे लग जाते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये था जी चिकन और इसको भी वॉश करते हैं और इसके पैकेट बना के फ्रीजर में रखते हैं। और ये हो गई जी कटिंग और शिमला मिर्ची और मैंने गाजर को जो है वो कटिंग कर ली और मैंने ये थोड़ी थोड़ी सी इस तरह
लंबी सी काट ली हैं शेप में, और इनको मैंने पतला पतला सा काट लिया है। और क्योंकि मैं स्पैगेटी बना रही हूँ तो स्पैगेटी की शेप आपको पता है कि नूडल्स की तरह होती है, तो मैंने इसीलिए इनको ये शेप प्रेफर किया है कि मैं इसी शेप में इसको काटूँ ताकि ये अच्छी लगे। ये जी शिमला मिर्चें भी मैंने इस तरह लंबी लंबी काट ली हैं। और चलें जी अभी शुरू करते हैं अपनी कुकिंग। बॉयल पानी में थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के जस्ट 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको मैंने बॉयल कर लिया है, और इसमें फिर बाद में ठंडा पानी डाला है ताकि ये आपस में ना चिपकें। और इसके बाद जी हम शुरू करते हैं जी, तो ऑयल में डाल दिया है जी चिकन फ्राई होने के लिए, और इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लेंगे और बाकी चीज़ें फिर साथ साथ इसमें ऐड करते जाएंगे। और सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी जी गाजरें, और गाजरें जो मैंने आपके सामने अभी बताया था आपको काट ली हैं लंबी लंबी सी लंबी शेप में, और इसको इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी देर इसको इसमें डाल के सौते करेंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं, और फिर इसके बाद फिर जो है कुछ देर के बाद फिर सौते करने से कुछ देर बाद हम इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च और उसको भी साथ में फ्राई करेंगे। ब्लॉग आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।